हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना, लेकिन इस दौरान उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर खूब निशाने साधे और साथ ही जासूसी मामले में कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया। देश हो या प्रदेश, राजनीतिक गलियारों में दो मुद्दे गरमाए हैं और वो है किसान आंदोलन और पेगासस जासूसी मामला। दोनों मुद्दों में ही वार और पलटवार का दौर जारी है। इसी के चलते हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि कृषि मंत्री अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और इसी दौरान उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने राकेश टिकैत के आंदोलन चलाने और गुंडाम चढ़ाने के चुनाव जीतने के बयान पर पलटवार किया। कृषि मंत्री ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि इन किसान नेताओं का धैर्य अब किसान हित की बजाय सत्ता और कुर्सी प्राप्ति हो चुका है। सत्ता सड़कों पर बैठने से नहीं, जनता के आशीर्वाद से मिलती है। अब वो तो कितने माह चलाएंगे, कितने चीज क्या करेंगे, वो तो आंदोलनकारी नेता ही जाने, लेकिन आम जनता समझ चुकी है कि ये आंदोलनकारी नेताओं का उद्देश्य किसान हित नहीं है। इनका ध्येय जो है कुर्सी प्राप्ति है, और कुर्सी सत्ता प्राप्ति जो है जनता के आशीर्वाद से हो सकती है। इस तरह से सड़क पर बैठ के लोग जो है इनको मैंडेट देने वाले नहीं है। वहीं पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने सत्ता में रहते आपातकाल लगाया और न्यायपालिका को रोनते हुए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। कांग्रेस का मुद्दे भटका करके ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कभी राफेल के नाम से, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग के, कभी NRC के नाम से, कभी किसानों के नाम से राजनीति कर रही है। कांग्रेस के अंदर अब अंतर्विरोध बड़ा ज़बरदस्त है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कमज़ोर हो चुका है और हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस टूटने के कगार पे है। तो इसलिए ये ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के लांछन लगाते हैं। लोगों को अच्छी तरह पता है ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगाया था, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने न्यायपालिका को रोन दिया था, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने लाखों विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बगैर सुनवाई के, बगैर उनके अधिकार छीन के जेलों में डाल दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि लोग कांग्रेस की इन बातों की तरफ कोई खास ध्यान दे रहे हैं। आजकल प्राइवेट कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कौन क्या कर रहा है, उसमें हमारी पार्टी का या हमारी सरकार का कोई लेना देना तो इसमें है नहीं। बहरहाल राजनीतिक वार पलटवार के साथ साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ओलंपिक खेलने गए खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद भी जताई और साथ ही वन महोत्सव पर पौधारोपण को सामाजिक आंदोलन बनाने की अपील की। जगबीर घनघस, भिवानी, खबरें अभी तक।